रेडियो द्वार का परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर हम आए हैं अमोघ जी के पास और हमारा सवालों का जो सिलसिला है उनसे जारी रहेगा। और आज का सवाल हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। प्रभु जी, क्या हम किसी की बुराई करते हैं, किसी को बुरा बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ बोलते हैं, तो क्या उसका हमको पाप लगता है? बिल्कुल, अगर हम किसी की बुराई करते हैं उसका पाप लगता है, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि मन से, वाणी से, कर्म से हम पाप भी कर सकते हैं और भगवान की सेवा भी कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हम पाप का आज डिस्कशन कर रहे हैं, तो हाँ, वाणी से भी पाप होता है। अगर हम किसी का अपमान करते हैं, किसी के प्रति इंसल्टिंग वर्ड्स बोलते हैं, आप देखो उसका पहला रिएक्शन ही मिलता है दैट वी आल्सो बिकम डिस्टर्ब। दिन भर में ना वो चलता रहता है, वो उसका जो अग्रेशन है इट इज देयर, तो इसलिए उसका कार्मिक रिएक्शन वहीं का वहीं मिलना शुरू हो जाता है। और विशेष रूप से अगर आपने किसी संत महात्मा पुरुष के प्रति कर दिया तो उसका फल तुरंत मिलता है और हैवी ड्यूटी मिलता है, मतलब पीपल हैव बिकम लेप्रोटिक आल्सो, उनको कोल्ड की बीमारी होगी, ऐसे ऐसे भी इंसिडेंसेस हैं। तो इसलिए सामने वाला व्यक्ति कौन है इसे भी डिपेंड करता है ऑफकोर्स, लेकिन वैसे अगर वाणी से अगर कोई बुरे कर्म करता है या किसी को कष्ट पहुंचाता है या फिर झूठ बोलता है और अपने मतलब के खेल खेलता है, निंदा करता है, चुगली करता है और इसमें वो रस लेता है, हाँ अच्छा लगा अच्छा लगा, ऐसे व्यक्ति के लिए गरुड़ पुराण के अंदर बल्कि एक नर्क मेंशन है कि ऐसे व्यक्ति को, हाँ यस, और उसके जीवा पर अंगारे डाले जाते हैं क्योंकि तुमने इस जीवा से अंगारे निकाले हैं किसी के प्रति, तो इसलिए आप तुमको अंगारे रखे जाते हैं और वो तड़पता है पर उसके हाथ पांव बंधे होते हैं, देन यमदूतास पुट सम बर्निंग हॉट चारकोल। तो ये कार्मिक रिएक्शन है किसी के प्रति वाणी से हिंसा करना। और देखिए, वाणी की हिंसा जो होती है बहुत कष्टदायक होती है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं उद्धव को भागवतम में कि अगर तीर भी कोई हृदय में लगे तो इतना कष्ट नहीं देता जितने कि किसी के अनसिविलाइज्ड वर्ड्स, इंसल्टिंग वर्ड्स, वो रह जाते हैं यहाँ पर, लोग सालों साल रखते हैं यहाँ पर, तो वो बार बार अब व्यक्ति जब सोचता रहता है तो कष्ट देता रहता है, कष्ट मिलता रहता है उन शब्दों से। तो इसलिए शब्द भला कैसे इस्तेमाल करने चाहिए ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर बता रहे हैं कि वाणी का वेग कैसा होना चाहिए, अनुद्वेगम कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत, यानी कि अनुद्वेगम, वाणी ऐसी होनी चाहिए जो कि अनुद्वेगम, सारे सामने वाले को एजिटेट ना करे, उसको अगर उद्वेगित कर दिया सो दैट इज नॉट गुड। तो ये पहला है। दूसरा, सत्यम, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रियम यानी कि मीठा होना चाहिए, हम ये ना बोले सच कड़वा होता है जी, उसको कड़वे तरीके से क्यों बता रहे हो यार, सच अपने आप में थोड़ा कड़वा होने वाला है, उसको प्रियम मीठे तरीके से बताओ। हितम यानी कि सच वो बताओ जो सामने वाले का हित करने वाला है, ये नहीं कि उसको हिट कर देगा वो तो कर लो जी हमने तो सच बोलना था जी, हमने झूठ थोड़ी बोला, आप सच उससे पचा नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं सर, सच वो बोले जिससे कि सामने वाले का हित हो। अब कोई सोच सकता है यार तो बड़ा सोचना पड़ेगा, मतलब बोलने से पहले सत्यम सत्यम भी होना चाहिए, हितम भी होना चाहिए, प्रियम भी होना चाहिए, अनुद्वेगम होना चाहिए, चार चार क्वालिटीज। तो उसके लिए पांचवी क्वालिटी भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं चैप्टर 17 वर्स नंबर 15 के अंदर भगवद गीता में, वो है स्वाध्यायम, यानी कि शास्त्रों को बोल बोल के उच्चारण करना चाहिए। वो बोलेंगे तो हमारे मुंह की वोकैबुलरी, उसकी टेम्पलेट ही चेंज हो जाएगी, तो उसमें सत्यम हितम प्रियम अनुद्वेगम वो अपने आप ही हो जाएगा। सो इसीलिए पांचवी ऑस्टेरिटी है, तो ये करेंगे देन वो जो वाणी का वेग है उसको हम संभाल पाएंगे, नहीं तो इस वाणी से हम कब किसको क्या कष्ट पहुंचा दें कुछ नहीं पता। और लोग अक्सर वाणी से कष्ट पहुंचा देते हैं और फिर उसके बाद माफ़ी मांगने का भी लोगों में दम नहीं होता, सो कमज़ोर भी है ना लोग, ठीक है बोल दिया यार, हम तो जी जो मुँह में आता है बोल देते हैं जी, उनको लगता है शायद बड़ी अच्छी क्वालिटी है, पर ये बेवकूफियत वाली क्वालिटी कि जो मुँह में आया आपने बोल दिया, मतलब प्रोसेसर का इस्तेमाल किया ही नहीं क्या, मतलब कैसे अजीबोगरीब आदमी हो यार तुम। तो इसीलिए वाणी का जो वेग है उसको संभालना चाहिए। अब देखिए, वाणी का वेग जिसका संभला हुआ है दैट पर्सन कैन बी अ हीलर, उससे बल्कि हृदय का जो दुख है दूर होता है। और दूसरा है आप किसी को कष्ट पहुंचा रहे, तो इसलिए वाणी प्ले सच अ वाइटल रोल। इनफैक्ट सारे ऐश्वर्यों में वाणी का जो ऐश्वर्य है इसको मुख्य ऐश्वर्य बताया गया। अब देखिए, जितने ये आरजे वगैरह होते हैं ये किसका कमाते हैं, वाणी का। बड़े बड़े काउंसलर्स हैं किसका कमाते हैं, वाणी का। बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, कोच हैं, किसका कमाते हैं, वाणी का। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे इम्पैक्ट करें, वाणी से, अपने संदेश से। तो इसीलिए जो वाणी है इट प्लेज रियली वेरी वाइटल रोल, तो हमें देखभाल करके सोचना चाहिए, सोच सोच करके बोलना चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, औरों को शीतल करें हम खुद भी शीतल हो जाएंगे उसके अंदर। तो इसलिए वाणी शुड बी टेकन केयर ऑफ, और अदरवाइज नरक का एक्सपीरियंस हम अभी से शुरू कर देते हैं, अल्टीमेटली देयर इज वन पर्टिकुलर हेल टू एक्सपीरियंस कि आप अपनी वाणी से आपने हिंसा की है किसी के प्रति। सो ये वाणी मिली है भगवान का गुणगान करने के लिए, तो इस तरह से वाणी को हम संभाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और वीएस अक्सर जो हम लोग करते हैं वो इसका जवाब अब मिल गया होगा, क्योंकि हम बहुत बार लोगों को अपशब्द बोलते हैं, उनको बुरा कहते हैं, उनके पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब सुनने के बाद हम शायद भविष्य में सावधानी रखेंगे।
अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।